शर्मा, आप देख रहे हैं SBN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत में कर रहा हूं कांग्रेस के G23 नेताओं से। जी हां, कांग्रेस पार्टी के G23 नेताओं को जिस तरह से दरकिनार किया गया, आखिर इसकी वजह क्या है और इस जो इन नेताओं को दरकिनार किया गया, इसमें हाथ किसका है, ये आपको मैं बताऊंगा। जी हाँ, बहुत सारे दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि आखिरकार जो कांग्रेस में G23 नेता के अंदर जो लोग शामिल थे, जो नेता शामिल थे, उन नेताओं को दरकिनार करने की आखिरकार वजह क्या थी और बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक की जो लिस्ट जारी की गई, उस लिस्ट में भी इन नेताओं का नाम शामिल नहीं था। ये पूरा क्या मामला है और किस तरह से यहाँ पर इन नेताओं को दरकिनार किया गया, ये आपको बताऊंगा। ये बात आपको ध्यान से सुनना होगा। आपको अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आखिरकार जो G23 में नेता शामिल थे, उनको बाहर हटाने की वजह ये रही कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सुर के साथ सुर नहीं मिलाया और स्थिति ये बनी कि वो लोग कांग्रेस पार्टी से नाराज भी दिखे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात उन्होंने की। अब आप ये भी समझिए कि किस तरह से और किन्होंने इन नेताओं को बाहर किया। तो दरअसल इसमें खबर ये सामने आई है कि इन G23 नेताओं को और गुलाम नबी आजाद को किनारे करने में अगर बड़ा हाथ बताया जा रहा है तो वो खुद पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। जी हाँ, इन सोनिया और प्रियंका गांधी जो है, उन्होंने इन नेताओं को दरकिनार किया और इन नेताओं को बाहर किया, क्योंकि सोनिया और प्रियंका को ऐसा लग रहा था कि ये नेता आगे चल के उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला कि गुलाम नबी आजाद तो पूरे पूरे अब दिल से BJP के साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं अन्य कांग्रेसी नेता जो G23 में शामिल थे, उनके सुर भी कुछ अलग नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा, सोनिया और प्रियंका को ऐसा लगने लगा कि कहीं आने वाले समय में ये ही नेता उनके लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दें, इसीलिए स्टार प्रचारक की जो लिस्ट जारी की गई थी बंगाल में, उसमें इन्हें शामिल नहीं किया गया। और आपको बता दूं कि जिस तरह से इस लिस्ट से इन नेताओं को बाहर किया गया, ये नेता भी अब पूरी तरह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में उनका कोई वजूद नहीं है और कांग्रेस पार्टी उन्हें अब सीधे सीधे दरकिनार कर रही है, यानी कि एक साइड जो है वो कर दिया गया है, एक साइड रोल की जगह दी गई है कांग्रेस पार्टी में इन नेताओं को। इसका साफ मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता, यही नेता कांग्रेस के साथ सुर से सुर मिलाकर चलते थे और जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे और जिन्हें कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा अपने साथ रखती थी, इनका जो राय विचार विमर्श है उस पर बात करती थी, वो कांग्रेस पार्टी अब इन नेताओं से दूरी बना रही है, वो कांग्रेस पार्टी अब इन नेताओं को दूर कर रही है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि ये नेता कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, ये नेता कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, तो इससे बहुत बड़ा जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो आपको मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि फिलहाल जो स्थितियाँ बन रही हैं और जिस तरह के हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से आज जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने करीबी नेताओं को अपने से दूर कर रही है। वो आज अपने करीबी नेताओं को इसलिए भी अपने से दूर कर रही है क्योंकि वो ये दिखाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि जो भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाएगा, जो भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अलग सुर अपनाएगा, उसका हाल वही होगा जैसा इन नेताओं के साथ हुआ है। इन नेताओं को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया और ऐसे में खबरें ये देखने को मिली कि सोनिया और प्रियंका जो है वो जो है अब इन नेताओं को साथ लेकर नहीं चलना चाहती, लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में आने वाले जो समय है, जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा है, अगला विधानसभा जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तो क्या इन चुनाव में भी इन नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा? क्या जो स्टार प्रचारक की लिस्ट आगे जारी की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान या उत्तर प्रदेश में अगले साल जो विधानसभा चुनाव है वहां पर जब जारी की जाएगी, तो क्या इन नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी इन नेताओं को हिंट दे दी है कि अब कांग्रेस पार्टी उनसे दूरियां बना रही है, कांग्रेस पार्टी अब उन्हें किनारे कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इन नेताओं को धीरे धीरे करके अपने से अलग करती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी अब इन नेताओं को अपने साथ नहीं रखना चाहती। और अगर बात की जाए तो पार्टी आलाकमान को भी इस बात की भनक लग गई है कि ये नेता बागी तेवर जिस तरह से अपना रहे हैं, कहीं इनका ये रवैया उनके लिए भारी ना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये बताता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो इन नेताओं से दूरियां बना रही है। तो यानी कि संभावनाएं आने वाले समय में भी बन रही हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आने वाले समय में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जाएगी, हो सकता है उनमें भी इन नेताओं का नाम शामिल ना किया जाए। अब इन नेताओं का नाम मान लीजिए उन लिस्ट में शामिल नहीं होता है तो क्या ये नेता कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे? अगर मैं बात करूं तो फिलहाल तो गुलाम नबी आजाद का मन तो अब कांग्रेस पार्टी से उठता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अन्य नेता जो है वो भी अब कहीं ना कहीं ये बात दिल में बिठा चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी अब उन्हें महत्व नहीं दे रही है। और यही वजह रही है कि कपिल सिब्बल ने बीते दिनों एक बयान दिया था और ये कहा था कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं है बल्कि पार्टी में बदलाव की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय के जो चुनाव है उसमें फायदा हो। तो यहाँ पर नेताओं को अपनी बयानबाजी, अपनी सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को वो ये बताना चाहते हैं कि वो बागी नहीं हुए बल्कि वो कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर बढ़े, लेकिन ये बात पार्टी आलाकमान नहीं समझ रहे। और ऐसे में आने वाले समय में देखते हैं कि क्या पार्टी आलाकमान इन नेताओं की बातों को समझेगी या फिर इन्हें पूरी तरह से बाइकॉट कर दिया जाएगा, यानी कि अलग जगह पर बिठा दिया जाएगा। तो ये स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं। और कांग्रेस पार्टी की तो मैं बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे टूटती हुई नजर आ रही है। एक समय वो भी था जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था और जब सभी मंत्री और नेता एकजुट होकर काम करते थे, और एक समय वो भी है यानी कि आज का समय है जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ना तो एकता दिखाई दे रही है और ना ही कांग्रेस पार्टी के नेता जो है अब वो पार्टी आलाकमान की बात सुन रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान की बात ना तो सुन रहे हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बिहार की चलिए एक आपको खबर यहाँ पर बता देता हूँ कि दरअसल बिहार में कल क्या हुआ। बिहार में ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण समारोह था, तो उस दौरान ये हुआ कि वहां पर बहुत सारे कांग्रेसी नेता शामिल नहीं हुए। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्ती उन बैंड बाजे वाले लोगों को सदस्यता दिलाना शुरू कर दिया, जो लोग केवल वहां पर बैंड बाजा बजाने आए थे, जिनका काम था वहां पर बैंड बाजा बजाना। तो उस समारोह में जो लोग थे, जो म्यूजिशियंस थे, जो वो उन जो बैंड बाजा बजाने वाले लोगों को जबरदस्ती वहां पर सदस्यता दिलाई गई, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।